हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस फ़ोन की सेटिंग को रीसेट कैसे करें। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। अब ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है रीसेट। तो जैसे रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, फ़ोन की पूरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। तो चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फ़ोन के लॉक स्क्रीन का जो पैटर्न या पासवर्ड रहेगा उसे डालकर कंफर्म कर लेना है। तो इतना हम कर लेते हैं। तो देखिए, इतना हमने कर लिया है और अब हमारे फ़ोन की सेटिंग रीसेट हो गई है। अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। तो इतना करने के बाद आपके फ़ोन की सेटिंग सही हो जाएगी और इस तरह आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।